हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों। दोस्तों, हमारे आँख पे लग गई थी चोट, इसलिए नहीं बना पा रही थी वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं वीडियो। आज है 14 फरवरी और आज हम बताएं दोस्तों, आज हम कई दिनों से बहुत दुखी हैं, चोट ज़्यादा दर्द कर रही थी, अचानक से लग गई थी। देखिए कितनी चोट लगी है। दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। हमारे जो है, जो जितने भी वीडियो पड़े हैं, किसी पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। अब देखा जाए दोस्तों, तो 8-9 महीने हो गए हैं हमारे चैनल को, तो अब जाके 64 सब्सक्राइबर हुए हैं। तो दोस्तों, 9 महीने में 64 सब्सक्राइबर, यानी कि मतलब चैनल बिल्कुल बंद है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ और सभी से उम्मीद करती हूँ कि हमारे ब्लॉग को ज़रूर देखें और सपोर्ट करें। दोस्तों, मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ और कहती हूँ कि दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर कोई गलती भी आ रही है, हम नहीं बना पा रहे हैं मतलब, तो हमको बताओ कि आपका जो है ब्लॉग नहीं बन रहा है या कुछ भी कमी है, कुछ भी तो हमको बताओ, तो हम अपने जो है ऊपर सुधार करें। और दोस्तों, अगर हम बना भी रहे हैं और हमको सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है, उतने अच्छे ब्लॉग हम नहीं बना पा रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि मतलब हर इंसान, कितने भी यूट्यूबर हैं तो हर तरीके के बनाते हैं, लेकिन हम उनमें से किसी भी उस तरीके का वीडियो नहीं बनाए हैं ना, इसलिए हमारा ना तो वीडियो देखा जा रहा है। दोस्तों, जुड़े हैं, ऐसी बात नहीं है, जुड़े हैं 2.6 करोड़ लोग तक जुड़े हैं, लेकिन अगर इतने लोग सब्सक्राइब कर दें तो हम लोगों का भी कुछ हासिल कर सकें। हम लोग भी मतलब ज़्यादा नहीं कुछ कर पाएंगे, तो इतना तो कर ही सकते हैं, अपने बच्चों को जो है पढ़ा सके, लिखा सके, पेट पाल सके, बस इतना ही काफ़ी है। हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम बहुत दुखी रहते हैं। और देखा जाए तो हमारे परिवार से बिल्कुल दोस्तों सपोर्ट नहीं मिलता है। हमारे वहाँ सभी लोग कहते हैं कि ये देखो वीडियो बनाती हैं, ये है वो है, और जो बहुएँ वीडियो बनाती वो ठीक नहीं होती है, नेचर की नहीं सही होती, लेकिन ऐसा हम में नहीं है दोस्तों। हम कभी मतलब अपने हिसाब से कभी हम गलत सोचे ही नहीं, बस हम इतना सोचे हैं कि हमारे बच्चे ना कुछ कर सकें तो पढ़ लिख जाएं, थोड़ा बहुत कमा के खा पाएं, बस इतना। और हमको नहीं लग रहा है कि हम कभी आगे कुछ कर पाएंगे। जब हम एक महिला होके अपने आप को नहीं संभाल सकते, नहीं खा सकते कमा के, तो हम बच्चों को क्या बताएं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बच्चे अगर देखा जाए तो हमारी बड़ी बिटिया जो है 12 साल की हो गई है, और हमारा बड़ा लड़का जो है 10 साल का हो गया है। फिर उससे छोटी बिटिया थी, वो अभी 19 दिसंबर को एक्सपायर हो गई थी, 9 साल की थी। दोस्तों, अब हम क्या बताएं कि हम कैसे जी रहे हैं। 9 साल की बच्ची हमारी चली गई,
जिंदा तो है लेकिन ये कोई जिंदगी नहीं है। बीमार थी हमारी बिटिया 6-7 महीने से। हमारे पास पैसे नहीं थे उसका इलाज करने के लिए। आखिर में दम ही तोड़ दी। अब हमारा छोटा लड़का है 5 साल का। अब हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो है उस मुसीबत से गुजरे जिस मुसीबत में हमारी लड़की चली गई। कभी हम नहीं चाहते इसीलिए हमको कहते तो बहुत लोग हैं। ससुराल में वीडियो बनाती है हमारे ससुर ही कहते हैं कोई हमको सपोर्ट नहीं करता है। ना सास ना ससुर ना हस्बैंड कोई नहीं। लेकिन हम अगर सोचते हैं अगर हम कुछ करेंगे नहीं बाहर तो नहीं जा सकते हैं लेकिन इतना तो ज़रूर है कि हम घर से ही अगर वीडियो बनाएंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ हम कर सकें। मोबाइल भी मेरे पास नहीं था मेरा भाई लेके दिया और रिचार्ज भी कभी कभी करवाता है वही हमारे लिए वो बहुत कुछ करता है। वो भी चैनल चलाता है रवि कुमार ब्लॉग। हमारे 3 भाई हैं दोस्तों सबसे बड़े भैया हैं वो भी बहुत अच्छे हैं भगवान की तरह।